हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अपन जानने का ट्राई करेंगे कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं और स्टार्टिंग में उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा जानकारी नॉलेज वगैरह लेना है मार्केट के बारे में कि आखिरकार आपके लिए सूटेबल मार्केट फॉरेक्स मार्केट है, शेयर मार्केट है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दोनों ही करने के लिए बेटर है, बट आपको थोड़ा अपना टाइम प्रिफरेंस वगैरह, सूटेबिलिटी वगैरह, आप किस मार्केट के लिए फिट है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूँ तो सुबह 9:30 से 3:30 के बीच का इसका लगभग टाइम होता है, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं कोचिंग ट्यूशन वगैरह पढ़ाई करने जाते हैं या इस टाइम के बीच अगर आप फ्री नहीं रहते तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सीखने के पर्पस से इस चीज में घुसिए ना, ये आपके लिए बेटर रिकमेंडेशन है मेरी। क्योंकि अगर आप इस मार्केट में जाएंगे तो उस टाइम पे आप जब फ्री नहीं है तो मार्केट में स्टडी कैसे करेंगे, आप चार्ट को कैसे रीड कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप बैकएंड का तो स्टडी कर लेंगे लेकिन लाइव मार्केट में आप चीजों को कैसे एनालाइज करेंगे। तो टाइम बाउंडेशन है तो बिल्कुल आपके लिए मार्केट है ही नहीं, इसको आप चेक करना भी मत बेकार है आपका देखना इसको। ठीक है, अगर आप मान लीजिए टोटली बिजी पर्सन है तो आपके लिए फॉरेक्स मार्केट बेटर है ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजों का आपको रिक्वायरमेंट होगी ना, कोई एक्स्ट्रा कमीशन चार्जेस वार्जेस कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में $30 डाला यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग आती है तो $30 बना के आप $30 को अगेन डिपॉजिट लगाओगे तो भी डिपॉजिट पे आपका कुछ भी नहीं कटेगा, यहाँ पर आपका डिपॉजिट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, डिपॉजिट पे कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, मैं जो करता हूँ, पहले मेरा भी जॉब था तो जॉब के साथ साथ मैंने फॉरेक्स स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। देन आपको क्या करना है, एक डेमो अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले रियल अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है। क्यों नहीं करना, आपको रियल अकाउंट बता देता हूँ, क्योंकि रियल अकाउंट आप ओपन करके गलतियां करोगे, आपका पैसा वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं सीखा इस मार्केट से अभी तक, राइट। तो सबसे पहले आपको काफी सारी ऐसी चीजें जो इस मार्केट से सीखनी होगी, देन तभी आप रियल अकाउंट ओपन करना। और आप जो डेमो अकाउंट ओपन करोगे उसमें एक वर्चुअल मनी आप रख लेना, जो कि मेरे ख्याल से 1000 काफी होगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप डॉलर में ओपन कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें करेंसीज आती है अलग अलग, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डॉलर में इसको ओपन करिए। तो स्टार्टिंग में आप ओनली सिर्फ $100 रखना, ठीक है, $100 को आप ट्राई करना डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करके कि इसको 150 किया जाए, यानी कि $150 कैसे करें। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो देन उसके बाद इस अकाउंट को $150 से 50 एड ऑन कर लेना, $200 को आप कैसे 250 करोगे वो चीज ट्राई करना, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और समझाई जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ और चीजें हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है जिससे कि आपकी मिस्टेक वगैरह नहीं होगी। वो क्या है, आपको बेसिक मार्केट के बारे में जानना है, क्या सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह क्या होते हैं, कैसे अपन एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को। तो ये सारी चीजें अगर आपको मालूम है, अगर आप प्रॉपरली तरीके से कर रहे हैं, देन मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मार्केट में। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना नहीं आ रहा तो देन डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में भी बता दूंगा आपको। उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे आपके पास कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स वगैरह, ये आपको भी मार्केट में मैं दिखा दूंगा। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड कि मार्केट यहाँ से आपका अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, आपका मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है या मार्केट आपका साइड बेस है, वो आप कैसे पता करोगे, वो सारी चीजें भी अपन प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। उसके बाद है कि आपके मार्केट को जो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको टोटल SMC तरीका सिखाने वाला हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े बैंकर्स वगैरह यूज करते हैं, वो इसी तरीके पे अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद फाइनली अपन जानेंगे कि आप जो सारी चीजें कर लेते हो तो उसके बाद एंट्री पॉइंट आपका कहाँ पे होगा, कहाँ पे अपने को एंट्री मारनी है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे अपन चले तो अपन फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, सेकंड डेमो अकाउंट आप खोल लेना, थर्ड अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपका मार्केट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से डाउन आपका मार्केट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रुका एंड वापिस से नीचे आया हल्का सा, फिर अगेन अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, तो एक ऐसे कुछ रेंज बनेगी, ठीक है, इस टाइप की कुछ रेंज वगैरह बनेगी, कुछ चीजें बनेगी, ठीक है, इस तरीके से आपका मार्केट। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है,
इस पे मार्केट एक जोन बना लेना ऐसे, ठीक है। जितनी बार मार्केट आपके इस जोन को टैप करेगा, इसके अंदर आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, जब तक इसको ऐसे नीचे ब्रेक ना कर दे, ठीक है। जब तक आपका मार्केट इस जोन को अगेन एंड अगेन टैप करता रहेगा, तब तक आपको क्या करना है कि आपका जो मार्केट है वो सपोर्ट एरिया जो है उसको टैप करते हुए वापिस आ रहा है। यानी कि जिस फर्श के ऊपर आप अभी बैठे हैं वो आपका सपोर्ट है, आपके हेड के ऊपर जो छत है वो आपका रेजिस्टेंस एरिया, ऐसे आप समझिए, ठीक है। तो अगर आप छत के ऊपर जाके हाथ लगाते हैं, वहां से कूदते हैं तो कहाँ गिरेंगे, सपोर्ट पे, और सपोर्ट से जंप मारेंगे तो कहाँ जाएंगे, रेजिस्टेंस पे। सेम है, यही रूल ऐसे फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर मार्केट साइड बेस है। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक जोन है, जोन नहीं, यहाँ पे आपका कोई मार्केट आता है, मार्केट आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक मार्केट ने गया अंदर बाहर। अभी जोन के अंदर मार्केट कुछ भी करे हमें उससे कुछ मतलब नहीं, या तो मार्केट इस जोन के बाहर जाए या अप जाए, ठीक है। जिधर भी जाएगा अपन उधर उधर ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट का जो सिनेरियो वो रन होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अभी चार्ट पे और देख लेंगे इन चीजों को अपन अच्छी प्रॉपरली तरीके से, राइट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद ट्रेंड लाइन आता है एंड टेक्निकल एनालिसिस आता है। तो ट्रेंड लाइन अपन देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी ट्रेंड सी लाइन होती है। ट्रेंड का मतलब है या तो अप ट्रेंड में जा रही है ये, तो अप माम अप लिख दो, अगर डाउन में जा रही है तो डाउन लिख दो इसको, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या करेगा, अगेन एंड अगेन मार्केट यहाँ पे आके टैप करेगा, यहां से मार्केट अगेन क्या करेगा अप साइड जाएगा, फिर मार्केट हल्का सा डाउन आएगा, फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम से मार्केट अप जाएगा, फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम से मार्केट अप जाएगा, फिर यहां से मार्केट जहां जहां पर मार्केट जितनी जितनी बार टैप करेगा अप जाएगा, देन अगेन नेक्स्ट टाइम मार्केट आके इसको ब्रेक कर देता है। तो ये क्या बनेगा, एक बार सपोर्ट लेने जरूर आएगा इस ट्रेंड लाइन का, देन मार्केट डाउन आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन है अपसाइड की तरफ, ठीक है। अब इसी को अपन देखते हैं कि अगर ये मार्केट मान लीजिए डाउन में आता है तो उस टाइम पे आपको मार्केट कैसा दिखेगा। तो मान लीजिए अगर आपका मार्केट डाउन में आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट डाउन आया, अगेन ऊपर रेजिस्टेंस लेने के लिए गया, ठीक है, मार्केट डाउन आया रेजिस्टेंस लेने के लिए गया, मार्केट डाउन आया रेजिस्टेंस को टच करने के लिए गया, सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे बढ़ते जा रहा है, रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच किया, ठीक है। अब ये सपोर्ट जोन आपने यहाँ बना रखा है, बट मार्केट ने इसको क्या किया, डायरेक्टली तोड़ दिया, फिर मार्केट वापस गया कहाँ पे, रेजिस्टेंस लाइन को टच करने के लिए, फिर मार्केट डाउन आया, ठीक है। तो इस तरह से आपका मार्केट है वो टोटली तरीके से रन होता है। ये सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर वे में चीजें समझ पाएंगे एंड कंसिडर कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेक्निकल एनालिसिस अभी देख लेंगे, चार्ट पैटर्न भी देख लेंगे, मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर मैपिंग, अब ये सारा यही देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आवरली चार्ट है अपना, एक घंटे वाला चार्ट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ क्या किया, देखिए यहाँ पे काफी सारी जो वीक्स है उन्होंने टच किया, देन मार्केट आपका अप गया, ठीक है। अप जाने के बाद मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, और यहाँ तक इतने प्रोसेस में मार्केट ने टच किया, फिर मार्केट अप गया, ठीक है। अप जाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट जैसे अप गए सपोर्ट जोन को वापिस ब्रेक किया, देन यहाँ पे मार्केट ने टच किया। अब वापिस मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा ये अपने को आगे इस कैंडल के क्लोज होने पे देखने पता चलेगा, बट इंस्टेंट टाइम पे अगर अपन देखें तो आपके मार्केट ने एक दो तीन थ्री टाइम यहाँ पे मार्केट ने टच किया, ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है कंटिन्यूसली रनिंग है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें अगर समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। और देखते हैं कहीं और है तो, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मार्केट ने यहां से फर्स्ट ट्रेंड लाइन अपन ड्रॉ की, सेकंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट आया, देन अच्छा खासा अप गया, देन उसके बाद यह मार्केट डाउन आया अप गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वापिस आया एंड मार्केट ने वापिस अपना क्या किया, यहाँ पर वापिस क्या किया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर इसने टैप किया, देन मार्केट पूरा आपका डाउन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन आपकी वर्क करती है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सारी चीजें आपको इसी तरीके से देखनी होगी। और देखते हैं थोड़ा सा,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, थर्ड यहाँ पे ट्रेन लाइन, फोर्थ ट्रेन लाइन यहाँ पे, देन उसके बाद मार्केट पूरा नीचे ब्रेक ही नहीं कर पाया। मार्केट ने यहीं से क्या किया, अप गया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया लेकिन अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये ट्रेन लाइन अगर अपना आगे बढ़ाते हैं तो इसको भी ब्रेक नहीं किया इसने, यहां से इसकी लिक्विडिटी ली, देन मार्केट वापिस अप गया, देन ऊपर वाली लिक्विडिटी ली, देन मार्केट डाउन आया। ठीक है, ये सपोर्ट वगैरह आपको इस तरीके से देखना है। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो काफी सारे चार्ट पैटर्न है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको पूरी PDF दे दूंगा एक, ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उस टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग पे चलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या होता है कि जैसे बोस, चौक वगैरह ये जो होते हैं SMC के कॉन्सेप्ट, ये आपको काफी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगे, वहां जाके आप देख लीजिए। मैं एक फ्रेश चार्ट लेता हूँ यहाँ पे, कोई सा भी एक जिसपे मैंने मार्किंग नहीं की रखी है, तो तरीके से समझ में आ जाएगा आपको थोड़ा सा। लगभग सभी चार्ट पे मार्किंग हो रखी होगी ऑलरेडी, ठीक है, इस पे नहीं हो रखी है, देखते हैं, नहीं हो रखी है, ठीक है। तो इस चार्ट को अपन पकड़ते हैं बैकएंड से, और इसका जो टाइमिंग है 1 आवरली पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या करना है, देखिए अपने को अभी तक कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से टोटली तरीके से मार्केट क्या डाउन आया, ठीक है। अब मार्केट डाउन आने के बाद क्या किया कि आपको कुछ नहीं पता, आपने जाहिर सा बात है यहाँ पे एक सपोर्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये सपोर्ट लाइन, ठीक है, क्योंकि मार्केट 1, 2, 3 टाइम यहाँ पे टच कर चुका है। अब फोर्थ टाइम करेगा या नहीं करेगा ये आगे मेरे को भी नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। एंड देन ये आपने नीचे वाला पॉइंट ये यहाँ पे ऐसे कुछ मार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थोड़ा सा आगे चलते हैं देखिए क्या होता है, धीरे धीरे अपन चलते हैं। मार्केट ने क्या किया, आपके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अपन क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे जब मार्केट यहाँ पे कुछ रिटेस्ट या बैक एंड में वापिस आएगा। तो देखिए मार्केट यहाँ पे आया बट मार्केट डाउन जा रहा है अभी तक। यहाँ पे अगर ये जो ग्रीन कैंडल थी, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी रेड कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल, ठीक है, अगर ये रेड कैंडल जो आपकी ये वाली रेड कैंडल है अगर ये ग्रीन बन जाती देन इसके ऊपर क्लोज कर देती तो यहाँ पे क्या होता, मैं एक एंट्री प्लान कर सकता था, बट इसने क्लोज ही डाउन किया है, ठीक है, इस वजह से मेरा कोई यहाँ पे एंट्री प्लान बना ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हो, ये अपना नीचे सपोर्ट जोन था, ठीक है, अभी तक मार्केट वैसे ही रन हो रहा है। देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे जो है अपने सपोर्ट जोन को तोड़ दिया और यहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव दे दी, ठीक है। ये कौन सी कैंडल है आपको पढ़ना पड़ेगा, डोजी है, ड्रैगन फ्लाई है, या आप हैमर कैंडल, कौन सा कैंडल इसको बोलेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहां से हल्का सा छोटा सा एक एंट्री प्लान करते हैं इसे, ठीक है। मुझे भी नहीं पता एंट्री सही जाएगा नहीं जाएगा, रॉन्ग होगा राइट होगा, बट मैं आपको कैसे लेके बता रहा हूँ, तरीका समझा रहा हूँ कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, यहाँ पे साथ ही साथ आपको एंट्री कैसे लेनी है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए आप समझिए थोड़ा सा, मार्केट डाउन आया, मार्केट वापिस रिटेस्ट करने के लिए गया, देन अपने को यहाँ पर एक अच्छा खासा कंफर्मेशन ये जो है कैंडल मिल चुकी है, ठीक है, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के नीचे भी मार्केट ने क्लोज कर दिया तो ये मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि अब जो मार्केट का मूव है वो डाउन होगा। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है, ठीक है। मार्केट ने अपना SL ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब अगला जो सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है, यहां पे मार्केट ने ऑलरेडी 2 टाइम टच किया हुआ है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट एरिया है। देखो अभी तक आपका मार्केट चलता ही जा रहा है, मुझे भी नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, बट देखते जाओ, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ आप समझते रहो, आपको कुछ अच्छी चीज ही बताऊंगा मैं। अब देखो ये मार्केट क्या किया, ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट रिटेस्ट करेगा, कब करेगा देखते हैं। मार्केट आया अपने वापिस जोन में, मार्केट ने रिटेस्ट किया, एंट्री बनाई, यहाँ पे अगेन क्या बना, हैमर बना अपना,
मैं यहाँ से एक एंट्री प्लान करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा मैं बिल्कुल छोटा सा, और 1:2 का रेशो अपन लेके चलेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। ये लो मेरा SL मार्केट ने खा लिया, देन उसके बाद मेरे को प्रॉफिट दिया, यानी कि SL एंडिंग हो गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उड़ने दो, ये भी उड़ गया अपना SL। उसके बाद अपना जो सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेंस है वो इस एरिया पे बाईपास हो गया। यहाँ से थोड़ा सा ये सपोर्ट, ये रजिस्ट्रेंस, ये और ये सपोर्ट बन गया अपना, और ये सपोर्ट एरिया पूरा। और रजिस्ट्रेंस एरिया कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट ने अपसाइड तोड़ दिया, अब मार्केट देखते हैं रिटेस्ट करने आता तो देन अपन एंट्री प्लान करते हैं। आया? कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला अभी तक, कोई कंफर्मेशन ही नहीं है अपना यहाँ पे, कंफर्मेशन नहीं मिला, नहीं मिला अभी तक कोई कंफर्मेशन। यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला, जो कैंडल स्टिक आप पढ़ते हैं। यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं, देन मार्केट का क्या करते हैं, यहाँ पे SL रखते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अपनी एंट्री राइट जा रही है, ठीक है, हो गया। अपनी एंट्री का यहाँ पे TP हिट हो चुका है, ठीक है, एक एंट्री अपनी पॉजिटिव गई है 2 में से। आगे बढ़ते हैं, ये सपोर्ट एरिया यही काम करेगा, और अब नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये वाला बनेगा अपना। ठीक है, आगे चलते हैं क्या होता है मार्केट के साथ। मार्केट गया, मार्केट ने कैंडल क्लोज दी दी, बट कंफर्मेशन कैंडल नहीं है अभी तक। कंफर्मेशन डन हो गया यहाँ पे अपना, कैसे हुआ बता देता हूँ। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कौन सी कैंडल है आपको देखनी पड़ेगी। कैंडल तो मेरे को यहाँ पे भी मिल चुकी है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे मेरे को मिल गया, बट ये जो बिग कैंडल है ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट में बनती है, वो भी गैप अप के साथ में, तो वहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह एंटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक हल्की सी एंट्री प्लान की, यहां तक देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है अपना इस एंट्री का। आगे चलते हैं, ये लो SL उड़ गया मेरा, ठीक है, 3 SL उड़ गए अपने, एक एंट्री प्रॉफिट में आई अभी तक। ये अपना सपोर्ट एरिया था। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है अपना ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे सपोर्ट जोन आपका टूटा, सपोर्ट जोन के बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन अपना ये था। यहां पे मार्केट ने क्या किया, अभी तक कोई एंट्री वगैरह अपने को प्लान नहीं की है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन अपन ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या किया, मार्केट आया, देन सपोर्ट लिया मार्केट ने अच्छा खासा, डाउन एंट्री, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, देन वापस। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ये देख के सेल करते कोई डोजी, आप ये कैंडल देख के सेल करते, आपका मार्केट अगेन ऐसे सेल उड़ा चुका है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मार्केट कहीं रुका ही नहीं है, सीधा अप ही जाया जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं, मुझे पता है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारी चीजें ऑलरेडी मार्क करनी आती है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से देखना। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपने काफी सारी चीजें देखी जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां से डरो की। ठीक है, जब ये चीजें मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो काफी सारे आपके मन में डाउट्स होंगे एंड सवाल होंगे, ये चीजें आखिरकार हो कैसे रही है। अब मैं यहीं से आपको एक चीज बताना शुरू करता हूं, अब वो देखते जाइएगा क्या है। अब अपन बात करते हैं SM से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, यहीं से जहां से अपन ने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट का जो रिसेंट लो होता है, या रिसेंट हाई या लो, जब भी मार्केट लेता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को अपन कहते हैं IDM, यानी कि इल्यूजमेंट। यहाँ पे मार्केट ने इल्यूजमेंट लिया, इल्यूजमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी क्रिएट की है वाले पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम से मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी वगैरह ग्रेप की। लिक्विडिटी क्या होती है, रीसेंट वाला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा लिक्विडिटी वगैरह के ऊपर। ठीक है, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, डाउन आया। ठीक है, और डाउन आने के बाद मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहां पे अपने मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यानी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया सेम साइड में, यानी कि मार्केट का जो सिनेरियो वो ये कहता है कि मेरे को अभी सेल साइड में ही जाना है। ठीक है, ये अपना होगा बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहीं पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो यहां से ये देखो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है अच्छी खासी। पहली चीज, ट्रेंड लाइन पे देखिए
एक दो तीन चार और पांच कंफर्मेशन मिले, छठे कंफर्मेशन ने मार्केट में सिंगल कैंडल में पूरे जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या करना होगा कि बेसिक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स वगैरह वो सारी चीजें भी आपको प्रॉपर तरीके से कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि आपका ले लेता है। अब रिसेंट वाला लो मार्केट जब भी लेता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं इल्यूजमेंट। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इल्यूजमेंट के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते वीडियो देख लीजिए मेरा पीछे वाला, आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ जाए। अब मार्केट ने यहाँ पे इल्यूजमेंट ले लिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मार्केट क्या करेगा। अब इल्यूजमेंट लेने के बाद क्या हुआ कि अपना जो चोज है यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट क्या करेगा कि हमेशा जो है बाई साइड में जाता है। डिपेंड करता है कि अभी किस साइड में चल रहा है, अभी चल रहा है सेल, इसको ब्रेक कर दिया बाई साइड में। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मार्केट ने क्या किया कि जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट रुका ही नहीं, सीधा रीटेस्ट करने यहां पे आया। ठीक है, अब रीटेस्ट करने जब भी मार्केट आएगा, हो सकता है वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई पीओआई वगैरह हो, तो यहां पे सिर्फ ये एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक यही था और कुछ भी नहीं था, जिसका मार्केट ने हल्का सा लिक्विडिटी टैप किया, देन मार्केट बूम। ये देखिए, यहां से आपका एंट्री, आप चाहे ये कैंडल ले लो कोई दिक्कत नहीं, आपकी अच्छी खासी एंट्री बनेगी यहां तक। उससे ऊपर जाना चाहो आपकी इच्छा ट्रेल करते हुए, बट अगर आप यहां तक भी बनाते कि मेरे को यहीं तक लेना है, तो भी नो डाउट आपकी अच्छी खासी एंट्री प्लान होती। आगे चलिए अब धीरे धीरे। ठीक है, ये आपका एक प्रॉफिट मैंने बता दिया। ठीक है, कैसे हुआ ये भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया। आगे चलिए, अब यहां पे मार्केट ने क्या क्या चोज यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका। अब मान लीजिए ऊपर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर मान लीजिए वापस नीचे मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है तो यहां क्या होगा, चोज होगा ये। ठीक है, अगेन उल्टा चोज हो जाएगा यहां पे। इसको मैं लिखे सॉरी एक सेकेंड, इधर भी आपको क्या होगा, चोज यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट इन फ्यूचर इसके पास आता है या नहीं आता है। तो ये जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं है, एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक आपका अगेन वर्क करेगा। ठीक है, ये कैंडल आपकी देखिए कौन सी है, ये इनसाइडेड कैंडल बनी है। ठीक है, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली। एक चीज और बता देता हूं, जब भी आपका मार्केट बाई साइड में हो और लेफ्ट वाली जो कैंडल है ठीक है वो बन के खत्म हो चुके, देन राइट वाली जो कैंडल बनेगी वो लेफ्ट वाले की लिक्विडिटी ग्रेप कर लेती है, देन वो आपका एक एंट्री पॉइंट बन जाता है। इसने लिक्विडिटी ले ली यहाँ पर। ठीक है, और इस कैंडल के ऊपर ये देखो एंट्री कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, सेकेंड एंट्री यहीं से पुट कर देना, एक छोटी सी एंट्री बना लेना ऐसे, यहीं पे रखना आपको अब। ठीक है, आगे चलो, कितना अब सोच क्या हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि सेकंड एंट्री जो है आप यहां से बनाएंगे तो आपको सेकंड एंट्री का जो है इस टॉप के हाई तक कहीं तक जहां पे भी आप रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा जो आपका फर्स्ट जो है वैलिड पुल बैक होगा आप हमेशा वहीं तक एंट्री रखिए। तो वैलिड पुल बैक आपका यहां तक है, तो यहां तक आपने रखा, आपने टीपी उठा लिया। ठीक है, देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट अगेन यहां से क्या हुआ, इसको कहते हैं लिक्विडिटी जोन। जब भी आपका मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है लिक्विडिटी जोन के अंदर, तो आपका मार्केट काफी सारी एंट्री वगैरह आपको देके जाता है, अगर आपको अच्छे से एंट्री लेना आता है तो। ठीक है, लिक्विडिटी जोन के अंदर फर्स्ट कैंडल ये क्लोज नहीं, सेकेंड कैंडल लिक्विडिटी जोन के नीचे आई, तो यहां से भी एक एंट्री बनती है, बट आप इस पे बहुत आगे जाओगे तब सीखोगे। तो यहाँ पे आपके मार्केट ने क्या कर दिया, ये अगेन आपके मार्केट ने नीचे डाउन की तरफ क्या कर दिया, चौच। तो इस एंट्री को कहते हैं चौथ फिलिप एंट्री, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे सेल साइड में था लेकिन हल्का सा बाई साइड दिखा, देन डाउन साइड आ गया, राइट। तो आपका ये हो गया चौथ फिलिप एंट्री। अब अगेन मार्केट ने क्या किया, देखिए ये लो पॉइंट, ये सिंगल कैंडल के अंदर सारी चीजें कवर हो रही है, तो अपना जो पुल बैक रहेगा वो रियल पुल बैक ये अपन कंसीडर करेंगे। आप करना चाहो ये भी कर सकते हो, बट मैं इसको कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पुल बैक हो गया। अब इस पुल बैक को मार्केट ने क्या किया, इधर लिक्विडिटी स्वीप किया पे,
तो ये अपना होगा इल्यूजमेंट, यानी कि मार्केट ने अपना हाई कंफर्म लो कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब इल्यूजमेंट लेने के बाद क्या हो गया कि आपके मार्केट ने जैसे ही इल्यूजमेंट लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक पीवाई वगैरह देखनी है जहां से आपका मार्केट टैप करे। अब आपको सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक देखना आना चाहिए, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर एफवीजी हो तो वो सबसे ज्यादा काम करेगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पे ऑर्डर ब्लॉक भी है प्लस यहाँ पे आपका एफवीजी भी पेंडिंग है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट आया, देन आपके मार्केट में अच्छी खासी एंट्री, इसलिए कहते हैं स्मार्ट मनी सीख लो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री दी, अगर आप इस एंट्री को मैं कहूंगा यहां तक भी रखते नो डाउट आपको अच्छा खासा पैसा में कमाने का आ जाता है। बहुत अच्छी एंट्री आपने प्लान की, देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एसएमसी सीखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, देन तभी आपको एक अच्छी खासी एंट्री वगैरह प्लान कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका जो है टोटली लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी जोन है। लिक्विडिटी जोन पे कैसे एंट्री वगैरह लेते हैं वो सारी चीजें भी आपको सीखनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका मार्केट अप गया, अप ही जा रहा है अभी तक, कोई इसने डाउन नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। अप, सारी चीजें अप ही चल रही है अभी तक, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप सोचिए यहां से जो आपने एंट्री प्लान की थी वो यहां तक आपकी वर्क कर रही है, अभी से भी यहां तक भी कर रही है और यहां तक बहुत आगे तक कर रही है। यहां पे देखिए एक और एंट्री बन रही है, यह आपका हो गया बॉस। अब मार्केट डाउन आया, ये मार्केट किन्ने आपने क्या की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब दो सिनेरियो, या तो मार्केट आपका जो आईडीएम यहाँ पे कर देता है, आईडीएम करने के बाद मार्केट को क्या करना होगा, या तो आईडीएम मार्केट करके कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी लेके अप जाता है। अगर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता तो आपके पास सिर्फ ये एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है विथ एफवीजी, इतना बड़ा गैप था, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था आपके पास, इसको मार्केट लेने कभी ना कभी जरूर आएगा इन फ्यूचर। अगर आगे भी देखें, अभी तक आया नहीं है तो आएगा, ठीक है, इसको लेने जरूर आएगा मार्केट इन फ्यूचर, देख लेना आप डेफिनेटली, डेट याद रखना जो मैं बता दिया आज की, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सारी चीजें मार्किंग वगैरह करनी है, सारी चीजों को प्रॉपरली तरीके से समझना है ताकि आपके इजी वे में सारी चीज समझ में आ जाए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।